टुडे वी विल स्टडी द इमेज फॉर्मेशन, हाउ इमेज विल बी फॉर्म्ड इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। एंड इन दैट क्लास वी हैड स्टडीड अबाउट कनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स मिरर में कैसे होता है, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं और कन्वेक्स मिरर विल बी आउटवर्ड, इसका जो फिगर है वो आउटवर्ड कर्व होता है। यहाँ से सभी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब पैरेलल टू इमेज आएंगी तो दैट विल बी गेट रिफ्लेक्ट, दिस इमेज कमिंग पैरेलल टू द पैरेलली कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंड रिफ्लेक्टेड बैक दिस वे, दिस प्रिंसिपल एक्सिस पे जो भी रे आएगी वो एज इट इज़ रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ से जो एक कर्व पोर्शन पे आएगी वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पे आपको रियल इमेज नहीं मिलेगी, इट इज विल यू कैन मेक इट वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर, इमेज इज फॉर्मिंग एट फोकस, सो इट्स इमेज इज वर्चुअल। एंड दिस हियर इन केस ऑफ रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी यू विल गेट ए हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज इमेज, बहुत छोटी इमेज मिलेगी इन केस ऑफ रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। सेकेंड केस कन्वेक्स मिरर में, अगर रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से रेज आएंगी, एक सीधी रे आ रही है तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड ऐसे रे जा रही है तो ये दिस विल कम रिफ्लेक्टेड बैक एज इट इज। इन दिस केस ऑल्सो यू आर नॉट गेटिंग एनी रियल इमेज, इंटरसेक्टिंग पॉइंट सामने कहीं नहीं मिलता है, और जो इस केस में आपकी जो भी इमेज जो भी प्रिंसिपल एक्सिस से रे जाएगी वो एज इट इज रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो इन तीन रेज आपको दिख रही हैं, इन तीनों को हमने, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे, ये तो पैरेलल वाली है तो ये फोकस से पर पास होगी, ये वाली रे एज इट इज़ वापस आ रही है, इसको पीछे हम अगर एक्सटेंड करेंगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी, ये वाली रे यहाँ से पास हो रही है फोकस से और ये वाली रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है। तो यहाँ पे तीनों बीच में यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है और यहाँ पे ए डैश बी डैश इमेज मिलेगी। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज इतनी छोटी, सो यू विल गेट ए स्मॉलर इमेज, ऑब्जेक्ट पूरा दिखाई देगा पर उसकी जो इमेज होगी वो छोटी दिखाई देगी। जैसा कि आप कुतुब मीनार और आगरा फोर्ट में देखते हैं वो वहाँ पे मिरर कन्वेक्स मिरर लगे रहते हैं कहीं कहीं पे, वहाँ पे पूरा उन मिरर में आपको पूरा इमेज इतनी बड़ी टॉल बिल्डिंग का इमेज छोटे फॉर्म में दिखता है, वेयर यू आर यूजिंग कन्वेक्स मिरर। दीज आर द टू इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। यहाँ पर टेबल आप स्टडी करिए, टेबल को स्टडी करना है, एट इन्फिनिटी अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो फोकस पे इमेज मिलेगी, बिहाइंड द मिरर मिलेगी, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज की पोजीशन होगी बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर, डिमिनिश्ड छोटी इमेज मिलेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट मीन्स बिहाइंड द मिरर, दोनों केस में इमेज मिलती है। थैंक यू।